बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 5 अगस्त है। 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने कश्मीर की खुसूसी अहमियत, खुसूसी हैसियत ख़त्म की, जिसके बाद पूरी दुनिया में बिलखसूस पाकिस्तान में ये दिन योम सियाह के तौर पर मनाई जाती है। आज योम सियाह है और आज मैं उन तमाम मुजाहिदों को और उन तमाम गयूर कश्मीरियों को, मज़लूम कश्मीरियों को सलाम पेश करता हूँ जो अपनी हक़ खुदा इरादियत के लिए और अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और जदजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, पाकिस्तान के तमाम अवाम, आप तमाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और इंडिया की जाहिरियत के ख़िलाफ़ हम कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह। और ये मसला, कश्मीर का मसला, एक दो ममालिक के दरमियान नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया की अमन का मसला है। तो पूरी दुनिया के लिए चाहिए कि वो कश्मीर के मसले पर गौर करें, क्योंकि ये दो ममालिक का मसला नहीं बल्कि ये एटमी जंग का मसला, एटमी जंग का सबब भी बन सकता है। तो ह्यूमन राइट्स के इदारे, जितने इदारे हैं ह्यूमन राइट्स के, इसी तरह अक़वामे मुत्तहिदा, ये सब इस मसले पर खामोश हैं। लेकिन मैं अपने हुक्मरानों को और अपने आला हुकाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इंडिया जो जारहियत करती है, इसके पुश पर कौन है? वही अक़वामे मुत्तहिदा, वही ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं जो मोदी सरकार की मफादात की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। लिहाजा कश्मीर के लिए पूरी दुनिया की सतह पर और आलम इस्लाम को इस पर बेदार करना चाहिए और इसके लिए एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए। आज का दिन पूरी दुनिया के मुसलमान, खासकर पाकिस्तान के नौजवान, योम सियाह के तौर पर मनाते हैं। अल्लाह करे कि कश्मीर के मजलूम मुसलमानों को अपना हक मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर और कश्मीर के आवाम पाइंदाबाद।